बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं और हेड ऑफ इनकम में हम इस वक्त कैपिटल गेंस पढ़ रहे हैं। और आपको मालूम हो चुका है अब तक रोज़ाना रिपीट कर करके कि जब भी हम कोई हेड ऑफ इनकम पढ़ रहे होते हैं तो हम बेसिकली चार बातें पढ़ रहे हैं, स्कोप, डिडक्शन, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी और टैक्सेबिलिटी। इस वक्त क्योंकि हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं तो कैपिटल गेन में सबसे पहले स्कोप में सबसे अहम जो डेफिनेशन हमें नज़र आ रही है दैट इज़ कैपिटल एसेट, यानी कि कौन से गेन यहाँ टैक्स होंगे। तो मैंने कहा जी शुरू तो डेफिनेशन हुई कि हर चीज़, हर जो प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल बिजनेस या बिजनेस के बगैर वो इसमें शामिल है, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, तीन चीज़ें शामिल नहीं हैं। नंबर वन बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड, नंबर टू बिजनेस के नॉन करंट एसेट, नंबर थ्री पर्सनल मूवेबल। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन ये छः चीज़ें मूवेबल में शामिल रहेंगे। यहाँ से एक स्केच ड्रॉ हो गया कि कौन सी चीज़ें शामिल हैं आप। तो अगर हम उसको सोचें ज़रा ऐसे ही अपने माइंड को रिकॉल करवाने के लिए, तो पीछे बचा क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या बचा है? पर्सनल लाइफ में बचे हैं प्लॉट, घर, शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी और ज्वेलरीज वगैरह, इस तरह की चीज़ें बची हैं। इसका मतलब है इनकी टैक्सेशन हो रही है। बिजनेस का तो कुछ भी नहीं बचा ना, बिजनेस के करंट एसेट भी निकल गए, नॉन करंट भी निकल गए, ठीक होगी ना बात। अच्छा जी, अब इनकी टैक्सेशन के अंदर फिर हमने समझा कि यार ओवरऑल एजेंडा क्या है। अच्छा एक बात कल एक बच्चा और भी पूछ रहा था कि सर थोड़ा सा हमें जरा गाइड कर दें कि ये सवाल कैसे आना है, हमने क्या तैयार करना है, क्या याद करना है, क्या नहीं करना। तो बेटा मैं पहली बात है, मैं आपको अक्सर लेक्चर में बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के दिन क्या बोला था कि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली डेफिनेशन है, इसको रटा लगाना चाहिए, याद करना चाहिए। और फिर साथ ही मैंने इस स्लाइड पर आकर आपको दिखाया भी कि ये देखें मार्च 2005 में क्या सवाल आया हुआ है, डिस्कस Which assets are not considered capital asset for the purpose of determining income under the head? इसका मतलब है वो कह तो ये रहा है कि वो तीन बातें बताओ जो कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल, रॉ मेटीरियल और नहीं पहले बिजनेस का दूसरा प्रॉपर्टी या एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इज क्लेम्ड अंडर दिस लॉ, और फिर तीसरा मूवेबल पर्सनल मूवेबल एसेट्स अदर देन, फिर वो छह बातें लिखनी है। तो यहां से हमें पता लग रहा है। अब बच्चा ना एक कंफ्यूजन का शिकार रहता है, बार बार एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, उस कंफ्यूजन से भी निकल जाएं आज एक मरतबा। आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए लॉ में आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने पहले दिन से आपको पढ़ाना शुरू किया कि लॉ जो लिखा है वही लिखा है। जहाँ ये पर्सनल एसेट्स लिखे हैं, जहाँ ये डेफिनेशन चल रही है, अगर डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट हुई ना कैपिटल एसेट मींस, तो ऐसे लिखनी है हमने, यानी कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप भी हम चेंज नहीं कर सकते उसूली तौर पे लॉ का जो असर। हाँ स्टूडेंट लाइफ में हम कोई 19-20 कराएंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी नोट्स कोई भी किताब कोई भी क्या करेगी, आप कोई किताब उठा लें कोई नोट्स उठा लें कोई कुछ उठा लें, सब ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, क्योंकि लॉ को तो अमेंड नहीं कर सकते ना। अगर लॉ में से ये फुल स्टॉप रिमूव करना हो, ये कॉमा रिमूव करना हो, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, असेंबली का इजलास बुलाना पड़ेगा। पहले नेशनल असेंबली इस कॉमे को रिमूव करेगी, फिर सेनेट इसको रिमूव करेगी, फिर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको रिमूव करे, फिर रिमूव होगा। तो इसमें जाहिद कवि ने क्या करना, कुछ नहीं करना। इस जहन से बाहर आ जाए, कहाँ से याद करूँगा सर, स्लाइड से कर लूँ, किताब से कर लूँ, स्लाइड जहाँ से मर्जी कर लें, सब जगह 100% यही लिखा हुआ है, बस अल्लाह का वास्ता है कर लें, ठीक है ना, कर लें कहीं से कर लें। अच्छा एक और आसान काम आपका, वैसे तो मैं तो हमेशा कहता हूँ ये सिर्फ मेरी स्लाइड से चले आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहीं से याद कर लें। अच्छा अगर नहीं तो एक आसान और सस्ता तरीका और क्या है, आई कैप की किताब पकड़ें, दैट्स इट। फोटोकॉपी शॉप के पास आपके अकाउंट में पड़ी है भाई, आप ज़रा लेटेस्ट डाउनलोड करके ग्रुप में पोस्ट भी कर दो आई कैप की किताब, ठीक है ना, फोटोकॉपी शॉप से उसको प्रिंट करा लें, बस खत्म बात।
कोई एक डॉक्यूमेंट पकड़ लें, बस वहां से याद करना शुरू कर दें, एज इट इज स्लाइड से करते चले जाएं, नथिंग लाइक इट। आई कैप की किताब पकड़ लें, किसी और टीचर की किताब पकड़ लें, सर अदनान की किताब ले लें, मुझे कोई मतलब उसमें वो नहीं होता किसी का नाम लेते हुए, उनकी एक अच्छी किताब है उसमें से पढ़ लें भाई। हर किताब ने इसको उठा के कॉपी पेस्ट करना है, बिकॉज लीगली हम इसे फुल स्टॉप या कामे को रिमूव नहीं कर सकते। नोट्स क्या बनाएंगे यहाँ? हाँ, नोट्स क्या हैं? नोट्स ये हैं कि हमें समझ आए यार बच्चे को ये बात इसके दिमाग में कैसे डालनी है, ये नोट्स हैं कि बेटा ये चार बातें डिस्कस होने लगी हैं। स्केच आपके दिमाग में आए कि अच्छा अच्छा यार ये चार बातें हैं जो मैं सीखने जा रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें सीख ली हैं। अच्छा जी, कल हम सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें सीख गए हैं। बात समझ आ रही है? इसलिए इसको साथ साथ करेंगे तो ये मामला आपका आगे चलेगा। कल हम सिक्योरिटी से रिलेटेड जब बातें हमने शुरू की तो सबसे पहले एक बात आई कि भाई एक डेफिनेशन और आ गई किसकी? पब्लिक कंपनी की। फिर इसे रटा लगा लिया हमने, फिर ये याद कर लिया क्योंकि ये तो डेफिनेशन तो याद ही करनी है ना, इसमें तो और कुछ नहीं करना। समझ ली हमने कि यार 50% ऐसा ना हो कि वो प्रोविंशियल के 30% दे और फेडरल के 30% दे तो हम दोनों को जमा ना कर रहे हो। ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया इसके अंदर। अब इसके बाद जाहिर है हमें क्या करना है, इसको याद करना है। सम टाइम वो यही पूछ लेगा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक कंपनी। ये वाली तो बात हो गई याद करने वाली। फिर है कुछ कैलकुलेशन, समझने वाली बातें। समझने वाली बातें यहां से कल शुरू हुई थी कि यार कैपिटल एसेट सिक्योरिटीज की टैक्सेशन कैसे होगी, तो हमने कहा यार वैसे ही होगी। फिर वही फार्मूला आ गया, कौन सा जी? गेन इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए क्या है? जितने का एसेट सेल किया। यहां लफज हम सेल नहीं बोल रहे होते, डिस्पोजल बोल रहे होते, ठीक है ना? परचेज नहीं बोल रहे होते, एक्विजिशन बोल रहे होते हैं, ठीक है ना? ये ज्यादा कंप्रीहेंसिव लफज हैं, ठीक है ना? सेल की बजाय डिस्पोजल। ए इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, सेल नहीं लिखा, और बी परचेज कॉस्ट, बोलने में बोल देते ना लेकिन परचेज नहीं लिखा। क्या लिखा? एक्विजिशन ऑफ द सिक्योरिटी। एक एडिशनल बात थी कि ए माइनस बी, तो उसने कहा एक और चीज माइनस करनी है, कौन सी? नोशनल कॉस्ट, वही 0.5%। ये एक्स्ट्रा पढ़ी हमने बात, इसको एक्चुअल की बेस पे नहीं देखना बल्कि कैसे देखना है, 0.5% ऑफ परचेज प्लस 0.5% ऑफ सेल, दोनों को इकट्ठा किया उसका 0.5% ले लिया। ये बात यहां लिखी हुई थी। अब यहां से ना ये लॉ थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है। क्या जी? एक तो हमने समझा कि जो सिक्योरिटीज हैं उसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, तीन कैटेगरी। कैटेगरी ए 30 जून 2013 तक, अगर यहां तक कोई एसेट खरीदा है तो जब मर्जी बेचें 0% के। फिर दूसरी कैटेगरी 30 जून 2022, इसका मतलब है 1 जुलाई से ये शुरू हुआ। अगर इसके दरमियान खरीदा है तो 12.5% होल्डिंग पीरियड नहीं देखना, यही पढ़ा। फिर तीसरी बात पढ़ी, अगर इसके बाद कोई भी एसेट खरीदा है यानी 1 जुलाई 2022 से ऑनवर्ड टू डेट, अब होल्डिंग पीरियड देखना है। विद इन 1 ईयर तो 15%, फिर 12.5%, फिर ये सारा शेड्यूल हमारे पास आया पड़ा। इसे याद करने की जरूरत कोई नहीं है, ये एग्जाम में अवेलेबल। इसका मतलब है जब सवाल आया तो एक अहम बात तो ये है कि पहले हम कैटेगरी देखें, कैटेगरी ए है, बी है या सी है, ठीक होगी बात। अच्छा जी, इसके बाद एक अहम बात है जो आज हम छेड़ने लगे हैं, कल इसको नहीं छेड़ कर गए थे, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ। आपको याद है मैंने एक लफज बोला था, हम स्लाइड नंबर 29 पर आ गए हैं, यहां मैंने एक लफज बोला था कि यार हर ये जो चार पॉइंट है ना इनमें से हर पॉइंट को बहुत अच्छा सा समझने के लिए अलग अलग हेड ऑफ इनकम है।
मैंने कहा था यार ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कैपिटल गेन सबसे बेहतरीन जगह है इसको समझने के लिए, ठीक है ना। कैपिटल गेन सबसे बेहतरीन जगह है जहां पर हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब हम उस तरफ मूव होना शुरू हो रहे हैं। देखिए जरा ये क्या लिखा हुआ है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ। अब जरा एक बात समझें, सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन दो तरह से हो सकती है, एक थ्रू वही NCCL के थ्रू हो गए, यानी स्टॉक एक्सचेंज में आपने शेयर खरीदे और वहां वो NCCL इदारा इन्वॉल्व हो गया, NCCPL रादर, पाकिस्तान को भी बीच में लगा दो भाई, ठीक है ना, NCCPL के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है। तो जरा देखें क्या लिखा है, अगर ट्रांजैक्शन NCCPL के थ्रू हो रही हो तो कहां जाना है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी शैल बी ट्रीटेड एज, ये जनरल उसूल आता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आई है, नॉर्मल टैक्स रिजीम। आपको पता है ना नॉर्मल टैक्स रिजीम किसे कहते हैं, NTR, मतलब सारों में ऐड करके टैक्स लगाएंगे फिर, और फिर रेट कहां से लगेगा, जो उस वक्त स्लैब बन रही होगी, पढ़कर आए ना वो दो टैक्स के शेड्यूल पढ़कर आए, उस वक्त देखेंगे 6 लाख वाले लोग हैं, 8 लाख वाले लोग हैं, 15 लाख वाले लोग हैं, 35 वाले लोग हैं, रेट वहां से डिफाइन होना है। अब वो कह रहा है डिस्पोजल ऑफ शेयर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी मेड अदरवाइज देन थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड विच आर नॉट सेटल्ड थ्रू, क्या मतलब, मेरे पास MCB बैंक के शेयर थे, आप खरीदना चाह रहे थे, आपने मेरे से डायरेक्ट ही खरीद लिया, नॉट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब जो गेन अराइज हुआ वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा। बात समझ आई। नंबर टू, डिस्पोजल थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर ड्यूरिंग लिस्टिंग प्रोसेस एक्सेप्ट वेयर द डिटेल ऑफ सच डिस्पोजल इज फर्निश टू NCCPL। जब कभी आपने I2B में एक IPO लफज पढ़ा होगा, पढ़ा ना एक लफज IPO, इनिशियल पब्लिक वो कहते हैं, अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में हमने डायरेक्ट ही शेयर लोगों को दे दिए, जब ये शेयर बेचेंगे तो ये भी NTR में जाएंगे। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट शेयर नहीं दिए बल्कि हमने शेयर फिर उसी NCCPL के थ्रू दिए हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझें, जब भी शेयर की डिस्पोजल थ्रू NCCPL हो जाएगी तो सेपरेट ब्लॉक होल्डिंग पीरियड वाला रेट लगेगा। 99.99% ये काम NCCPL से ही होता है। ये जुमला क्यों बोला, लिखें, अगर कभी भी सवाल में बताया नहीं गया तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड के NCCPL से ही हो रहा है। एक नया रिवाज शुरू हुआ है आजकल, एग्जामिनर क्या कर रहा है, बारीकी में सवाल पूछना शुरू हो गया है, जिसे हम कहते हैं 360 डिग्री क्वेश्चन, बारीकी में सिर्फ उस सवाल के लिए ही आपको बता रहे हैं। अदरवाइज अगर खाली लिखा हो कि शेयर बेचे हैं तो हमेशा क्या अजम्पशन है हमारी, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज ही बिके हैं और NCCPL से ही बिके हैं, इसका मतलब है नॉर्मल हालात में गेन हमेशा किधर जाएगा, सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। नॉर्मल हालात में गेन किधर जाएगा, सेपरेट ब्लॉक में ही जाएगा, सिवाय इसके कि वो हमें बता दे कि NCCPL से नहीं हुई है ट्रांजेक्शन। कहानी समझ आ गई है कि नहीं आ गई, थोड़ी बारीकी की बात है, कल नहीं छेड़ी थी हमने बातें, अगली बारीकी की बात, पहले सोचें ये बात समझ आ गई है भाई, वो बोलो भी सही, मेरा गला बैठ गया बोल बोल के, तुम हैं, तुम तो बैठे हो सुम बुक मुन, क्यों जी आप साहब कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो इसे आगे धक्का मारो, इसे धक्का क्यों नहीं मारते, इतनी सेहत है तुम्हारी, आगे हो तुम, बैग इधर रखो यार, पैसे नहीं दिए तुमने कॉलेज को, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कॉलेज तुम्हारे सर पे एहसान कर रहा है। अच्छा जी, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई, क्या समझ आ रही है, शाबाश, अगर NCCPL के थ्रू शेयर सेल हो रहे हैं तो सेपरेट ब्लॉक में जाएंगे, और हमेशा सवाल में NCCPL से ही हो रहे हैं, वो बताए या ना बताए, सिवाय इसके कि वो क्लियरली बता दे
कि नहीं भाई ये NCCPL से क्लियरेंस नहीं हुई है, फिर NTR में लेके जाएंगे, अदरवाइज FTR में लेके जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इससे पीछे हम ये बात समझ चुके हैं कि तीन होल्डिंग ऐसे आएंगी। अब ये टीचिंग स्किल है, यहाँ ये नोट्स हैं, जब पीछे गए ना और कहीं डेफिनेशन लिखी है, वो नोट्स नहीं है, वो तो लॉ में से उठा के कॉपी पेस्ट, फॉन्ट लगाया 24 का, ओके, बात समझ आई है ना? वहां कुछ नहीं कर रहा टीचर आपका, आप वहां से घबरा। अब इस पे सोचो कहां से याद करूं, कहां से याद करूं, भाई जहां से मैं याद करूं सब जगह एक ही लिखा हुआ, ठीक है ना? हाँ, टीचिंग स्किल यहां पे आती है, या टीचर को समझ आता है ऐसे ये बात बच्चे के दिमाग में बेहतर बैठेगी, क्योंकि लॉ ने दिमाग में बिठाने के लिए नहीं लिखा हुआ। लॉ तो एक प्रोसीजर है ना, वो तो जैसे मर्जी लिखता जाएगा, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लेजिस्लेटर ये नहीं सोचता कि यार ये मैं इतनी मुश्किल बात लिख रहा हूँ, इसे याद कौन करेगा, वो याद करने के लिए तो बना ही नहीं रहा। रियल लाइफ में तो जब इनकम टैक्स की प्रैक्टिस हो रही है तो किताब खोल के हो रही है ना, बंद करके थोड़े हो रही है, फिर सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, फिर सारा कुछ हो जाता है। ये तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत स्टूडेंट है जिसने याद करना है तो अब उसको याद कराने के लिए टीचर कोई टेक्निक लड़ा रहा है, तो वो ये वाली बातें। अच्छा जनाब, ओके, ये दो बातें समझ आ गई, दो बातें और, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, कभी आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था, करंट एसेट्स के अंदर पढ़ा था बात, कि यार अगर बार बार चीज खरीद रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं, तो वहां आपने इन्वेंट्री के IS-2 पढ़ा था, पढ़ा था ना? इसी तरह अगर हम शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कौन सा शेयर पहले बिका, कौन सा बाद में बिका, ठीक है ना? अगर एक ही शेयर बार बार मैं खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं, तो जब मैंने बेचा है तो कौन से वाला बेचा है, इसके ऊपर लॉ हमें क्या बता रहा है, वो कह रहा है फाइफो मेथड लगाना है आपने। जनरली कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ एनी सिक्योरिटी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री अकाउंटिंग मेथड। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है आपको पता है? जो पहले आया वो पहले भी क्या, जो बाद में आया वो बाद में। मतलब मैंने शेयर खरीदे, ऐसे पहले छोटी एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने निशात मिल लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे 150 रुपए के हिसाब से, फिर किसी और दफा फिर मैंने निशात मिल लिमिटेड के शेयर खरीदे 2000 और उस वक्त कीमत हो गई थी 200 रुपए, ठीक है ना? फर्ज कर लें ये 1 जनवरी 2024 की ट्रांजैक्शन है, ये 30 जून 2024 की ट्रांजैक्शन है, फिर मैंने 30 जून 2024 को ही 1500 शेयर बेच दिए हैं 250 रुपए के हिसाब से, सेल कर दिए, गेन कैसे कैलकुलेट करें? वो कह रहा है ए तो मिल गया, इसको इससे जरब दिया, बी कहां से लाऊं? वो कहता है 1000 ये गए हैं, 500 इसमें से गए, फाइफो का यही मतलब है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन। वो कहता है हम ऐसे चलेंगे, लेकिन साथ ही उसे शक पड़ गया कि नहीं यार एक बात और बारीकी की डालता हूँ, वो क्या जी? दूसरी तरफ आए, फाइफो मेथड शैल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ शेयर परचेज ऑन द सेम ट्रेडिंग डे, इन दैट केस गेन और लॉस शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग। वो कहते हैं अगर ये वाली डेट सेम होती, जैसे मैंने यहां लिखा ना, फिर 1 जनवरी कोई मैंने और खरीदे, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है जरा सोचे, सुबह तकरीबन 10 बजे मार्केट खुलती है, ट्रेडिंग शुरू हुई, अब शेयर की प्राइस तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हर वक्त हो रही है, मैंने थोड़े से शेयर सुबह 10 बजे खरीदे हैं, फिर 12 बजे खरीदे हैं, फिर 3 बजे खरीदे हैं, कोई तकरीबन 3-3:30 बजे मार्केट बंद होती है, मैंने सारे शेयर आज ही बेच भी दिए या कुछ उसमें से बेच दिए, अब फाइफो लगाऊं? हालांकि लग सकता है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक मोस्ट डॉक्यूमेंटेड आपकी इकोनॉमी है, एक एक ट्रांजेक्शन ईच एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, तो अभी भी तो फाइफो लग सकता है, लेकिन वो जो हमने कहा था लॉ इज ब्लाइंड, जो लिखा है बस वही लॉ है, वो कहता नहीं भाई अब फाइफो नहीं लगाना, अब सारा दिन में जितने शेयर खरीदे हैं ना, इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है इसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, ये एवरेज प्राइस निकल आई है, इस पर कैलकुलेशन। क्लियर होगी बात?
दो बारीकी की फर्दर बातें आई, कब फाइफो लगना है और कब एवरेज मेथड लगना है। डन होगी बात जी। हमें जितनी बात अभी तक समझ आई है सिक्योरिटी की, टैक्सेशन कैसे होनी है, पहले तो पता चला यार पहला स्टेप है कैलकुलेशन कैसे होनी है, ए माइनस बी से होनी है। ए माइनस बी लगाना कैसे है, वो कहते हैं पहले तो ये बात समझें कि सिक्योरिटीज तीन ग्रुप में डिवाइड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ग्रुप ए पे 0% टैक्स है, बी पर 12.5% टैक्स है और सी पर होल्डिंग पीरियड देखना है। कल हम कैलकुलेट कर गए हैं कि होल्डिंग पीरियड कैसे देखते हैं, एक मोटी बात होगी। अब टैक्स लगा तो एनटीआर में जाना है कि एफटीआर में जाना है, उसकी बात यहां आ गई। भाई अगर एक ही सिक्योरिटी बार बार खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो फिर फाइफो लगना है या एवरेज लगना है। डन होगी बातें। अब चलते हैं जनाब सवाल की तरफ। अब ये सवाल आया एग्जाम में, जरा कॉपी निकाल लें बाप। कॉपी निकालने, ये सवाल एग्जाम में आया है, उसने ऊपर थोड़ा सा आपको पता ना, उसने एक पैराग्राफ लगा देना है, मिस्टर फुला ने इस साल में ये काम किए हैं, ठीक है ना। लिखेगा डिटेल ऑफ एसेट डिस्पोज ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2024 आर एज फॉलोज। अब उसने ये आपको चार पांच ट्रांजैक्शन बता दिए कि भाई हमने एबीसी लिमिटेड के शेयर डिस्पोजल किया, डीजी सीमेंट के डिस्पोजल किया है, इसकी डिस्पोजल, उसने सब में बता दिया आपको, लिस्टेड 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 लिस्टेड। इसका मतलब है ये सब क्या है, सिक्योरिटीज है ना, क्योंकि जो अनलिस्टेड कंपनी है वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं है। अभी हम अनलिस्टेड की गुफ्तगू नहीं कर रहे, वो हमने अलग करनी है। हमने देखा चार हमने चीजें बनाई हुई है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटीज। उससे पहले क्या पढ़ा था, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब सवाल आ गया जनाब, इसकी कैलकुलेशन करके दे, निकालें जरा कॉपी। एबीसी लिमिटेड, पहली बात जहन में फौरन आए क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, ए माइनस बी और नोशनल कॉस्ट, ए माइनस बी और नोशनल कॉस्ट, ये फार्मूला लिखा हुआ। तो जरा देखिए जनाब, पहला शेयर कौन सा बेचा हमने, एबीसी लिमिटेड कब खरीदा था, हाँ कैटेगरी ए, कहानी खत्म, एग्जेम्प्ट। तो ए माइनस बी करते हुए दिखा दें एग्जामिनर को कितने का बेचा है, ए डिस्पोजल प्रोसीड, कितने का खरीदा था, बी 7 लाख, ए माइनस बी माइनस नोशनल कॉस्ट। उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको एक्चुअल ब्रोकरेज एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये इरेलीवेंट है, इसकी जगह क्या मिलना है, नोशनल कॉस्ट। हो सकता है ब्रोकरेज एक्सपेंसेस दो दफा दे, कहे सेल के इतने हुए थे परचेज के इतने हुए थे, दोनों इरेलीवेंट हैं, इन दोनों की जगह क्या आना है, इन दोनों को जमा करके नोशनल कॉस्ट आनी है। कैपिटल गेन कितना हुआ, यह हमारे पास फिगर आ गई, लेकिन टैक्स कोई नहीं लगेगा बिकॉज टैक्स का रेट क्या है इस पर, 0%। दूसरी डीजी सीमेंट कब खरीदा, कौन सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, होल्डिंग पीरियड नहीं देखना, 12.5%। पीछे क्या चाहिए, ए माइनस बी, व्हाट इज ए, 12 लाख, व्हाट इज बी, 9 लाख, व्हाट इज नोशनल कॉस्ट, 12 लाख जमा 9 लाख का जाएगा कहां, एनटीआर एफटीआर, शाबाश, नहीं बताया तो हमेशा सेपरेट ब्लॉक में जाना है। वैसे भी याद रखें ब्रोकरेज एक्सपेंसेस अलाउ भी कब हो रहे हैं, जब एनसीसीपीएल से आ रही है। सर ये बात कहां लिखी है, भाई लिखी है ये देखें, इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन मींस एनसीसीपीएल Involving any security, notional expense equal to 0.5% of sale proceed and 0.5% of security cost will be applied instead of actual charge like brokerage commission, fulan fulan. Done hogi baat? Okay. Sorry?
हाँ मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, दिस नोशनल डिडक्शन हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू ओपन एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ये एक दूसरी एक्सचेंज है ना, एक है स्टॉक एक्सचेंज, एक है फ्यूचर के ट्रेडिंग होनी है। जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे ना वहां इसका जिक्र आएगा, अभी छोड़ दें बस इतना ही होल्ड किया हुआ अभी हमने, ठीक है ना, वहां इसका थोड़ा सा जिक्र आएगा। ये अभी कैफ लेवल की बात नहीं है, ये जाहिर है लॉ तो कैफ के लिए नहीं ना बना हुआ। अच्छा जनाब, इसी तरह दूसरा तीसरा चौथा, अब आपने ये घर जाके अपने हाथ से सॉल्व पूरा कर लेना। ये आ गई जनरल बात। अब जरा दोबारा आते हैं जनाब, एक और शेयर हमने पकड़ा, क्या लिखा हुआ है जी, एक ही शेयर, इसका मतलब है मैं क्या समझाने लगा हूं, फाइफो लगना है कि वेटेड एवरेज लगना है। एक ही शेयर बार बार खरीदे बेचे जा रहे हैं। वो कहते हैं भाई एक बंदा है जिसने शेयर खरीदे हैं निशात मिल लिमिटेड, कब खरीदे, 15/7/2012। कौन सा शेयर है ये, कैटेगरी, कैटेगरी, कैटेगरी ए। फिर कहता है निशात मिल उसने फिर खरीदा 1/7, कैटेगरी। फिर कहता फिर निशात मिल खरीदा, फिर बी में, फिर निशात मिल खरीदा, कितने खरीद लिए, 5,000 + 4,000 + 3,000 + 5,000, कितने शेयर हैं इसके पास, सारों का टोटल लगा लिया ना, माशाल्लाह आप तो कैलकुलेटर से भी टोटल गलत लगा लेते हैं, तो जबानी कैसे बता रहे हैं, 17,000 का। अब वो कहता है सोल्ड 14,000 शेयर एट द रेट ऑफ 300 पर शेयर ऑन 30th June 2020, ऑल ट्रांजेक्शन आर मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन। साइलेंट नहीं रहा, बोल दिया उसने, इसका मतलब है NCCPL आ रही है, कैलकुलेट कैपिटल गेन एंड टैक्स पेएबल फॉर टैक्स ईयर। अब आपने सोचना है कौन सा मेथड लगना है, फाइफो, फर्स्ट इन। वो कहता वैसे नहीं देखना कि जनाब 14,000 शेयर कट्ठे ही आप कह दो ये बिके, नहीं, अलग अलग चले, जो पहले खरीदे हैं वो पहले बिके हैं, इसका मतलब है इन 14,000 में से सबसे पहले ये 5,000 बिके। और मैंने सवाल को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बनाया हुआ है, मैंने बीच में कैटेगरी भी डाली हुई है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी, इसका मतलब है जो 5,000 शेयर सेल हुए ना, कौन से, कितने का शेयर सेल किया हमने, 300 रुपए का, तो 5,000 कितने के शेयर हुए, निकालो कैलकुलेटर बच्चों, ओ भाई निकाल लो कैलकुलेटर, हाँ जी 15,00,000 के शेयर हुए ये खरीदे, बी ये आ गया इसका 15,00,000, इसका बी कितना है, 5,00,000, इसके एक्सपेंसेस कितने हैं, 15 × 5 = 20,00,000 का 0.5% मार्केट बेस है ना, और इसके ऊपर टैक्स का रेट क्या है, ड्यू टू कैटेगरी ए, क्लियर, ड्यू टू कैटेगरी ए। चलो जी 14,000 में से 5,000 चले गए, बाकी कितने रह गए, 9,000, अगले 9,000 कहां से बिके हैं, उसमें से 4,000 ये वाले बिके, ठीक है ना, 4,000 ये वाले बिके, कितने के बिके हैं, 4,000 ज़रब माइनस खरीदे कितने के थे, माइनस नोशनल कॉस्ट और रेट 12.5% बी कैटेगरी। अगले शेयर कितने बच गए हमारे पास, कितने बिक गए, 5,000 और बिके, वो इसमें से बिके हैं, ये भी कैटेगरी भी, बाकी कितने बचे हैं, 2,000 रह गए, 2,000 कितने के बिके, 300 के हिसाब से 6,00,000 के, 6,00,000 के बिके, इनकी कॉस्ट कितनी है, कहां से पता चलेगी, यहां से पर शेयर कॉस्ट निकालेंगे ना, ठीक है ना, क्योंकि हमने कितने शेयर खरीदे हैं, 5,000 शेयर खरीदे हुए हैं, कितने के, 12,50,000 करें तकसीम, 250 का एक शेयर आया, तो कितने शेयर बेच रहे हो आप, मल्टीप्लाइड बाय 5,00,000, ये सारी फिगर आपने कैलकुलेट कर ली है ना। अब ये वाली बात में बच्चा अगर फंस जाए तो ये नहीं कहना कि टैक्स नहीं समझ आया, ये तो आपकी कैलकुलेशन की कंप्यूटेशन का माइंड नहीं आपको पता चल रहा,
मतलब आप कहेंगे सर ये जो आखिरी 2000 शेयर हैं इसकी कॉस्ट नहीं समझ आई कहाँ से आई, ओके समझाते हैं, लेकिन ये टैक्स का इशू नहीं है, ये तो एक अकाउंटेंट की वो जो नॉर्मल कंप्यूटेशन की स्किल्स हैं उसमें लैग कर रहे हो। तो भाई ये हर शेयर की कॉस्ट पर शेयर निकालनी होती तो यहां से पता चल सकती थी ना, इतने के शेयर खरीदे हैं, इतने शेयर खरीदे हैं, डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अभी फिलहाल फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आपको चाहिए सामने कॉलम में लिख दें पर शेयर कॉस्ट क्या आ रही है, सारों की निकाल दें ताकि पक्की हो जाए इंदा के लिए, कह रहा अगर कॉस्ट निकालनी पड़ी तो ऐसे निकाल लूंगा। डन हो गई बात, गेन कैलकुलेट हो गया, टैक्स भी आ गया, कैटेगरी भी आ गई। यही वो कहना चाह रहा था कि अगर शेयर ऐसे खरीदे गए हैं और फिर बेचे हैं तो आपने उसूल क्या लगाना है, फाइफो मेथड लगाना है, फाइफो मेथड लगाना है। ये वाली बात समझ आ गई, कहानी रह गई इसकी। वो कहते हैं जी मिस्टर फुलान ने शेयर खरीदे हैं पीएसओ के 15/7/2023, इसका मतलब है एक ही दिन की ट्रेडिंग है। कितने का शेयर खरीदा है डिवाइड करके पता चल सकता है, ये डिवाइड करें जी कितने का शेयर है 300 का, जब ये ट्रांजैक्शन की तो कितने का हो गया हुआ, कैलकुलेटर से पूछ लें आप तो उससे भी गलत निकाल लेते हैं माशाल्लाह। और अब कितने का हो गया, और अब कितने का हो गया, फ्लक्चुएशन आ रही है ना दिन में। और फिर वो कहता है सोल्ड कितने शेयर खरीद लिए, जरा टोटल लगाएं, 9000 शेयर आज उसने खरीदे हैं और आज ही 5000 बेच भी दिए, सोल्ड 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 350 पर शेयर ऑन 30 जून 2024। अब जरा गौर करना है, अभी अभी मैंने दानिश्ता इसको पिक किया बात को इस तरह, कैलकुलेट द कैपिटल गेन एंड टैक्स पेबल फॉर टैक्स ईयर 2024। वापस चलते हैं, हर मसले का हल तो लॉ को ओरिजिनल पढ़ के ही पता चलेगा। जरा यहां फाइफो मेथड शैल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ शेयर परचेज ऑन द सेम ट्रेडिंग डे, इन दैट केस गेन और लॉस शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फाइफो मेथड शैल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ शेयर परचेज ऑन सेम डे, सेल ऑन सेम डे की बात नहीं हो रही है। ये जरूरी नहीं था कि भाई ये बात उसी दिन बेची होती, नहीं, जो शेयर एक दिन खरीदे हैं वो जब भी बेचेंगे अगर उनमें से शेयर बिक्रे होंगे तो फिर एवरेज मेथड। अच्छा ये अगर आज भी बेच देता तो एवरेज ही लगना था, इस बात को समझे, कहानी समझ आई है, क्योंकि जो शेयर हम बेच रहे हैं ये एक दिन खरीदे हुए हैं, एक दिन पर, हालांकि लग यहां भी फाइफ हो सकता है ना, कितने शेयर बेचे हैं 5000, तो हम कहते हैं 1000 ये बिके हैं, 2000 ये बिके हैं, 1000 ये बिके हैं, 1000 इसमें से बिके हैं, तो बड़ा आसान था। लेकिन वो जो लॉ बनाने बैठे होते हैं ना, बस उन्होंने थोड़े सोचना है कि किसी बेचारे गरीब के बच्चे ने इसे पढ़ना भी, हालांकि इससे कोई नुकसान थोड़े हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन बस लेजिस्लेटर ने बैठा उसके दिमाग में आई, उसने कहा नहीं नहीं अगर सेम डे होगा तो फिर एवरेज लगेगा, चलो जी बिस्मिल्लाह, अब एवरेज लगा के फिर। अब एवरेज निकालने का तरीका क्या है, सारे शेयर की कॉस्ट को इकट्ठा करें टोटल लगाएं, बैठे हो तुम लोग तो आराम से, शाबाश टोटल लगाएं और तकसीम करें, कितने शेयर हैं ये 27 लाख को 9000 से, इसका मतलब है ऑन एवरेज हमें शेयर कितने का पड़ा है 300 रुपए का, हालांकि कुछ शेयर हमने 300 के खरीदे हैं, कुछ उससे ज्यादा के खरीदे हैं, एवरेज हमारी 300 आ गई है। इसका मतलब है जब अब मैंने कॉस्ट करनी है ना ए माइनस बी करनी है तो बी मैंने 300 रुपए के हिसाब से लेने हैं शेयर, ठीक है ना, ए माइनस ये देखिए बीके कितने के हैं
350 × 5000 करें, ए आ गया 17,50,000, बी निकालना है 5000 × 300, ए माइनस बी, और इसमें से फिर नोशनल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, अगर मार्केट बेस है, और अगर नहीं लिखा तो ना करें, लेकिन मैंने अभी लिखा था इग्नोर ब्रोकरेज और कमीशन, इसलिए यहां नहीं किया हुआ, जब एग्जामिनर ने खुद ही कह दिया कि इग्नोर करते हैं तो कोई बात नहीं, फिर हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन अगर वो खाली साइलेंट रहता तो फिर हमने हमेशा अज्यूम करना है कि NCCPL से ही सारा काम हुआ, फिर 0.5 भी ले लेते दोनों का ऐड करके, बात समझ आ गई है। अब जाके वो जो रोज आप मेरे से पूछते हैं ना सर कहां से करना है काम, कहां से करना, किताब से का, अब जाके आपने आज एक ना हल्की सी रैकी कर लेनी है, मीन जरा सी, आईकैप की किताब आपके सॉफ्ट में अवेलेबल है, किसी भी टीचर की किताब उठा के देखिएगा और जाकर उसमें चेक कीजिएगा कि क्या ये सारे एस्पेक्ट डिस्कस हुए हैं, न्यूमेरिकली सवाल बने हुए हैं, ये डिस्कस हुए हैं, तो आपको पता चलेगा किसी एक ने भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये लॉ चेंज हुआ है थोड़ा सा पिछले एक साल में, उन्होंने पास पेपर के सवाल, पास पेपर में तो ये बात होती ही नहीं थी ऐसे, तो ये बात एलेबोरेट ही नहीं हुई हुई है, तो बस आपने यहाँ से कर लिया, अब कोई एस्पेक्ट बचा नहीं है जो आपका करने वाला रहता हो, यहाँ तीन बातें डिस्कस हो रही थी, सारी बातें आपने डिस्कस कर ली, इसी को हम कहते हैं 360 डिग्री क्वेश्चन, कि यार जो लॉ जैसे चल रहा है आप हर बात को न्यूमेरिकली देखते हुए चले जाएं कि अच्छा यार इस बात का ये मतलब बना, अच्छा इसका ये मतलब बना, अच्छा इसका ये मतलब बना, अब कंप्रिहेंसिव हो गया काम, अब जो भी सवाल करेंगे इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसे सॉल्व करें, घर जाके सॉल्व करें, हाथ से सॉल्व करें, सिर्फ ऐसे देखने से मसला नहीं रिजॉल्व हो सकता, जैसे अभी आप बैठे हो देख रहे हो, जैसे फिल्म देख रहे हैं, ऐसे मसला नहीं हल हो सकता, ये एक प्रॉब्लम है। तो जनाब अगर फिर रिकॉल करें तो डेफिनेशन शुरू हुई थी कहाँ से, लॉ तो ये था असल में, यहाँ लिखा होता, यहाँ से शुरू हुई थी बात, सिक्योरिटी मीन्स शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी और फलां फलां, इसमें एक लफ्ज पब्लिक कंपनी आया था, तो फिर हमने पब्लिक कंपनी को लॉ से डिफाइन कर लिया, इसे याद करने की ज़रूरत है। फिर इसकी टैक्सेशन का उसूल आया कि भाई टैक्सेशन कैसे होगी, तो पता चला ए माइनस बी से होगी, यहाँ एक एडिशनल ये नई बात इंसर्ट हुई है जिसके बाद सवालों की जो शक्ल है वो बदल रही है, ये एक नई बात डिस्कस हुई है, क्या जी, नोशनल कॉस्ट, ठीक है, जिसके आने से क्या फर्क पड़ा, एक्चुअल कॉस्ट इररेलीवेंट होगी, ब्रोकरेज की कॉस्ट, कमीशन की कॉस्ट, कोई लेवी, कोई इस तरह की चीजें दे, ये सब इररेलीवेंट हो गई है, उसकी जगह 0.5% ऑफ सेल प्लस परचेज का निकाल के लगा देंगे। फिर अगली बार डिस्कस की हमने सिक्योरिटी तीन तरह की आ गई, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ओनली कैटेगरी सी के ऊपर होल्डिंग पीरियड देखना है, हाउ टू कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड, ये बात आपको कल मैंने सिखा दी थी, आज भी अप्लाई कर लिया आपने। फिर दो बातें आई, कब सेपरेट ब्लॉक में जाना है, कब NTR में जाना है, ठीक है ना, कब सेपरेट ब्लॉक में जाना है, कब NTR में जाना है, और फिर अगली बात आई कब फाइफो लगना है और कब एवरेज लगना है, कहानी सारी समझ आ गई है कि नहीं आ गई। अब मैं एक बात करने लगा हूं, अच्छा बल्कि यहां एक सवाल है, पहले इसको करते हैं फिर वो वाली बात करते हैं, पढ़े जनाब, मिस्टर कामरान परचेज 20,000 शेयर ऑफ अल कादर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑन 15th July 2000, मतलब कैटेगरी बी, यही हमें क्लिक करना है ना, एट अ प्राइस ऑफ 150 पर शेयर ही सोल्ड 5,000 शेयर ऑन 30th September 2023 एट द रेट ऑफ 250 पर शेयर, 5,000 शेयर ऑन 31st December 2023 एट द रेट ऑफ 350 पर शेयर एंड रिमेनिंग 10,000 शेयर ऑन 15th June 2024 एट द रेट ऑफ 275 पर शेयर। अलग एक तारीख में सारे शेयर खरीद लिए थे कितने, 20,000, अलग अलग तारीखों पर बेचे हैं, इसका मतलब है फाइफो वाली बात तो का तो बार बार खरीदे ही नहीं हुए, एक ही दफा खरीदे हुए तो वो फाइफो वाला मसला नहीं इन्वॉल्व हो रहा,
बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। द कंपनी वॉज डी लिस्टेड फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31 मार्च 2020। कल एक लाइन पढ़ी थी हमने, फॉर द सेक ऑफ दिस सेक्शन। कल एक लाइन ये पढ़ी थी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी इफ सच कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में एक अहम बात थी कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना? अच्छा जी, अब देखें, हमारी तीन दफा हमने शेयर बेचे हैं। कितनी दफा शेयर बेचे हैं? तीन दफा। पहली दफा जब बेचे तो ये शेयर कैटेगरी बी के थे, 12.5% रेट लगाया, ए बी इन दोनों को ऐड करके नोशनल कॉस्ट कहां जाएगा? सेपरेट ब्लॉक में, क्योंकि लिस्टेड है उस वक्त सिक्योरिटी की डेफिनेशन में। जब हमने दूसरी सेल की उस वक्त भी ये लिस्टेड थी, ये भी कहां चला गया? तीसरी सेल हमने कब की है? 31 दिसंबर 2023 को। ओके, नहीं, अब हमारी नई डेफिनेशन के तहत ये भी एसबीआई में जाएगा, क्योंकि उस वक्त नहीं, आखिरी नहीं, 15 जून, हाँ 15 जून। और डीलिस्ट कब हो गई है? सिक्योरिटी नहीं रही जब शेयर बेचने गए हैं उस वक्त, ये सिक्योरिटी, जब सिक्योरिटी नहीं है तो ये शेयर एनटीआर में चला गया, इसीलिए अब यहां रेट नहीं लगा हुआ, क्योंकि एनटीआर में तो यहां रेट नहीं डिफाइन होगा ना। एनटीआर में तो ये जाके सैलरी फलां चीज सारी में क्लब होगी, फिर देखेंगे जी इसकी इनकम सारी 75 लाख हो गई है, फिर स्लैब देखेंगे कौन सा लगना। एनटीआर वर्सेस एफटीआर, एनटीआर आप लोगों ने, जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं लिए हुए ना, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वो तीसरे चौथे लेक्चर पांचवें छठे लेक्चर में हमने ये बात की हुई है क्लास में, तो वो यूट्यूब से जरा देख लें जाके। एनटीआर में क्या होता है, जो जो हेड ऑफ इनकम एनटीआर में जा रहा है, मसलन एक शख्स ने सैलरी से इनकम कमाई है 25 लाख रुपया, ठीक है, इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आई है, कौन सी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो एनटीआर में जा रही हो, 6 लाख रुपया। फर्ज किया इसने कैपिटल गेन कमाया है 1 मिलियन, कौन से वाला कैपिटल गेन? एनटीआर वाला। इन सारों का टोटल लगा लिया हमने, कितना आंसर आ गया? 41 लाख रुपया, ठीक है। हमारे पास इनकम टैक्स में दो शेड्यूल हैं जहां रेट लिखे हुए हैं, एक सैलरीड क्लास है और एक नॉन सैलरीड क्लास है। सैलरीड क्लास किसे कह रहे थे? जिसकी 75% से ज्यादा, मोर लिखा हुआ था वहां, जिस बंदे की टोटल इनकम 75% से ज्यादा सैलरी से आ रही हो। यहां सैलरी से कितनी आई है? 25 लाख 41 में से करें तकसीम, 25 लाख डिवाइडेड बाय 41 लाख। यार कैलकुलेटर के साथ आए क्लास में आप लोग सर? 60%, इसका मतलब है ये बंदा सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है। वहां हमारे पास ना दो टेबल बने हुए हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सैलरीड लगाना है कि नॉन सैलरीड, तो इस केस में कौन सा लगा? नॉन सैलरी। अब वहां देखना है कि 41 लाख वाले का टैक्स रेट क्या है। ये वाली कहानी खत्म हो गई, 15%, 12%, 13%, ये खत्म हो गई। जैसे ही कोई इनकम कहां गई? एनटीआर में गई, तो स्लैब यहां से डिफाइन होनी है। अब जो रेट लिखा हुआ फारिग हो गया, इसका मतलब है सेपरेट ब्लॉक की एक पहचान ये भी है कि उसका रेट गिवन होता है। एनटीआर का रेट गिवन नहीं हो सकता, ये तो रेट डिफाइन करना है हमने कि कौन सा लगेगा। तो पांचवें छठे किसी लेक्चर में ये बात हो रही है, वहां हल्का सा इसको एक दफा नजर डाल ले। इसीलिए देखें ये कहां चली गई है? एनटीआर। कहानी समझ आई है कि नहीं? कुछ बातें जो आपने सुन रखी हैं,
ठीक है ना, कुछ बातें जो आपने, और कुछ बातें जो आपने एक्सपीरियंस करनी है। इसमें आसमान जमीन का फर्क नजर आएगा। मसलन आपने सुन रखा है सर जाइद ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराते, सुन रखा ना, शर्माना नहीं है, सुन रखा है। मैं कह रहा हूं जितनी प्रैक्टिस मैं कराता हूं इतनी कोई कराता ही नहीं है। किसी टीचर के उठा के जब वो कैपिटल गेन पढ़ा रहा हो उसके सवाल उठा के देखें, क्या उसने यहाँ लाकर इतने सवाल डिस्कस किए हैं, हर एंगल का सवाल डिस्कस किया, किसी किताब में लिखे नहीं हुए, डिस्कस कहाँ से करने। और ये नहीं कहिए इस दफा हो रहा है, ये बैठा हुआ बच्चा इसने पिछले, आपने पिछले सेशन में टेक्स्ट पढ़ा, पिछले सेशन में भी यही पढ़ा था, यही स्लाइड थी, यही सारा कुछ था, जब से पढ़ा रहे ऐसे ही पढ़ा रहे, मिजाज ही यही है कि हम कोर्स को प्रॉपरली डिजाइन करते हैं फिर आकर पढ़ाना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्ड बेस पढ़ाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड बेस नहीं पढ़ाते कि मैं आऊं कलम पकड़ूं मार्कर पकड़ूं जो उस वक्त जहन में आ रहा है वो बोलूं, नहीं नहीं नहीं, आराम से सुकून से तसल्ली से घर बैठ के सोचूं ये पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, बच्चे को याद कैसे होंगी ये बातें, कौन कैसे इसके दिमाग में जाएंगे, एग्जामिनर के पास कौन कौन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। देखिए एक एक लाइन से न्यूमेरिक क्रिएट कर रहे हैं हम, इस लाइन का अलग न्यूमेरिक क्रिएट हो गया, फाइफो का अलग हो गया, फलां का अलग हो गया, बस आपने सिर्फ इसे करना है। हाँ एक 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 मसला है, हम सब्जेक्ट का खौफ नहीं क्रिएट करते। हम आपको कभी ये बात नहीं कह रहे होंगे बोथ पढ़ना पड़ेगा तो फलां तो दिमाग, हम तो ऐसे बंदे हैं हम कहेंगे यार अगर आपने 90% क्लासेस पढ़ी है ना, आपने घर जाके पढ़ा या नहीं पढ़ा अल्लाह के हुक्म से आप पास ज़रूर हो जाएंगे, बिकॉज हमने इतना काम आपके हाथ से क्लास में ही करवा लेना है जितना पास होने के लिए ज़रूरी है। आप लोगों ने हवा बना रखा है सीए को, सीए पास करने के लिए आधा सब्जेक्ट गलत भी कर रहे हैं तो पास हो जाता है बंदा, क्योंकि 50% पास रेट है ना, यहाँ आपने कोई 90 नंबर थोड़े लेने हैं, नंबर तो आते ही कोई नहीं। तो एक बच्चा जो एग्जैक्ट 50 पे पास हो गया वो भी उतना ही चौड़ा हुए फिर रहा है जो 90 लेके पास हुआ है, तो फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। तो इसलिए जब अल्लाह ने पर्दादारी रखी है इसमें तो टेंशन काहे की है, इतना काम हमने करना है कि भाई आपने क्लास की टीचिंग से आपने पास हो जाना, इसलिए हम वो टेंशन वो डिप्रेशन क्रिएट नहीं करते, इसलिए समटाइम बच्चों को ऐसी बातें फिर मशहूर हो जाती है। लेकिन आप चार बातें पढ़नी हैं, स्केच जहन में रखेंगे तो आप आसानी से चलेंगे। चार बातों की डिस्कशन चलनी थी, कौन कौन सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किससे रिलेट करती है, पर्सनल से रिलेट करती है, बिजनेस की तो है नहीं है। दूसरी बात सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज। तीसरी बात पर्सनल मूवेबल एसेट्स, ठीक है ना, पर्सनल मूवेबल एसेट, इसका मतलब कौन सी बातें, वो छह वाली बातें, ज्वेलरी बेचे तो क्या होगा, वो कोई आर्ट वर्क बेचे तो क्या होगा, और आखिरी बात रह जाएगी अदर्स, यानी अगर शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी बेचे तो क्या होगा, ठीक है ना। पहली दो क्लियर हो गई हैं, तीसरी को देख, गेन ऑन पर्सनल मूवेबल एसेट, बचा क्या था, वही पेंटिंग स्कल्पचर आर्टवर्क ज्वेलरी मैन्युस्क्रिप्ट पोस्टेज स्टैम्प क्वाइन एंटीक, अदर देन ज्वेलरी बाकी सारी चीजें वो हैं जिनकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू, ठीक है ना, जिनकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू है, ये बेचें तो क्या होगा, कैसे टैक्सेशन होगी। वो कहते हैं गेन उसी तरह कैलकुलेट होगा ए माइनस बी से, ए इज कंसिडरेशन रिसीव ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट, बी इज कॉस्ट ऑफ एसेट, क्लियर होगी बात। एक एडिशनल बात लॉ ने यहां लाके कर दी है, वो कहता है यार ये वाला जब आप करेंगे ना कैलकुलेट, हम जब शेयर खरीद रहे थे ना, अभी प्लॉट खरीद रहे थे ना, मतलब हम ऐसे ऐसे कहते हैं एक प्लॉट हमने खरीदा 50 लाख रुपए का, जब बेचने गए हमें पैसों की जरूरत थी, कीमत उस वक्त कम थी, 40 लाख का बेचना पड़ गया, क्या हो गया, 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, बिल्कुल ठीक है लॉस हो गया। ऐसे ही शेयर है,
शेयर आपने खरीदे थे उस वक्त मार्केट तेज थी, जैसे आजकल मार्केट तेज है ना, स्टॉक एक्सचेंज बड़ी तेज है आजकल, हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल पे खड़ी है और रोज नया रिकॉर्ड बना रही है, ऐसे कहते हैं मार्केट बड़ी हैवी है। अच्छा, इस वक्त आपने शेयर खरीदे और खुदा ना खास्ता आगे जाके मार्केट डिप कर गई, तो लॉस भी तो हो सकता है ना, जैसे गेन हो सकता है वैसे ही लॉस भी हो सकता है। आपको याद है जब हमने इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें लिखा था इनकम इंक्लूड लॉस भी, याद है जब बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहां इनकम की डेफिनेशन में हमने कहा था लॉस भी शामिल है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, याद देखिए क्या लिखा, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ अबव एसेट आर टैक्सेबल। वो कहता है अगर वो छह चीजें आपने बेची और आपको गेन हो गया तो हमने आपसे टैक्स लेना है, वेयर एज लॉस इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम अदर गेन ऑन द सेम एसेट, गेन इज टैक्सेबल अंडर। वो कहता है भाई अगर तो हो गया ना, आपने कोई हिस्टोरिकल चीज खरीदी थी, पेंटिंग एक खरीदी थी 40 लाख की, बेची है 25 लाख की, वो कहता नहीं कोई लॉस नहीं हमने आपको रिकॉग्नाइज करा, गेन हुआ तो हमें टैक्स दे दो, लॉस को हम तस्लीम, इसे कहते हैं नॉन रिकॉग्निशन रूल। क्या कहते हैं? नॉन रिकॉग्निशन रूल। ये एक एक्सेप्शन है लॉ की, वो कहता है कि यार यहां हम लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, गेन हुआ है तो टैक्स दे दें बिस्मिल्ला, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो, वो कहते यार हमें नहीं पता लॉस किसे कह रहे हो, नहीं बस टैक्स नहीं देना, लेकिन असल में होना क्या चाहिए था, होना ये था मसलन मैंने तीन चीजें बेची हैं उस पर मुझे गेन हुआ है, एक पर लॉस हुआ है, गेन हुआ है 10 लाख का, लॉस हुआ है 3 लाख का, जर्नल उसूल किया इन्होंने मर्ज होके 7 लाख पे टैक्स देना था मैंने, लेकिन यहां वो कह रहा है कि नहीं नहीं हमने ये नहीं करना, जो लॉस हुआ है वो जाया, वो किसी दूसरे गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? और ये वाला गेन जा कहां रहा है? एनटीआर में, ना कोई होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना, ना कोई टैक्स का रेट गिवन होगा, क्योंकि रेट तो अब कहां से निकलेगा, स्लैब से जाके निकलेगा, देखना पड़ेगा सैलरीड इंडिविजुअल है नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, उस वक्त देखेंगे जाकर। ए माइनस बी, नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट नेमली, वो ही छह बार, इसको क्या कहते हैं? नॉन रिकॉग्निशन। दिस मीन्स दैट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ अबव एसेट आर टैक्सेबल वेयर एज लॉस इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम अदर गेन ऑन द, मसलन आपने पेंटिंग बेची गेन हो गया, ज्वेलरी बेची गेन हो गया, एक एंटीक खरीदा था उस पर लॉस हो गया, ये एडजस्ट नहीं होंगे, गेन पर टैक्स देंगे लॉस जाया। बाकी इस पूरे इनकम टैक्स में ये मिजाज नहीं है, अगर लॉस होता है तो वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन यहां लॉस एडजस्ट नहीं होगा। कल आएंगे तो इंशाल्लाह यहां से आगे चलेंगे।